मोजेस साबी हजरत अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप दोस्तों के इल्म में है कि तुर्बत जैसे गर्मी तुर्बत में जैसे गर्मियां शुरू होती हैं किसकों की मनमानियां उरूज पर पहुंच जाती हैं। कभी ईरान से बिजली की बंदिश के नाम पर, कभी वोल्टेज की कमी के नाम पर तुर्बत के आवाम को सताना मामूल बन चुका है। जैसे कुछ दिनों पहले अल्टीमेटम दिया गया था कि अपना किबला दुरुस्त करें, लेकिन इस पर ना केस्को ने संजीदगी का मुजाहरा किया और ना ही ज़िला इंतज़ामिया ने। मोजेस साहब हजरत, ज़िला केस्को एक जानब ईरान की ईरान की जानब से बिजली, जबकि कोर ग्रेड स्टेशन और रिदिक से बिजली बरामद की जा रही है, तो दूसरी तरफ जीवनी पोलैंड से भी मुंसलिक किया गया है, जबकि तीसरी तरफ हमें नेशनल ग्रेड के साथ भी मुस्लिम करने के दावे किए जाते हैं। मगर मकुरान के तीनों इजदा मई जून और जुलाई और अगस्त में बिजली की शदीद बहरान से दुचार होते हैं, और इन चार महीनों में जहां गर्मी 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा पहुंचती है तो तुर्बत में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाता है। मोजे साफी हजरात, केस्को की जानब से यह शिकायत रहती है कि सारे बिल अदा नहीं करते, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। तुर्बत सिटी फीडर में सारे 90% से ज़्यादा बिल अदा करते हैं, इसके बावजूद सिटी फीडर में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग करते हैं। इसी तरह यहां कई सरकारी इदारे और महकमे हैं जो केस्को के कर्जदार हैं, लेकिन वहाँ लोड शेडिंग कभी नहीं होती और ना कभी इनकी बिजली कटते दिखाई देती है। मगर वाबड़ा अजाब बनकर आम सार्फिन और आवाम पर कहर बरसाती नजर आ रही है। मोजेस साहबी हजरात, केस्को और जिला इंतजामिया के रवैये और गैर संजीदगी पर 11 जुलाई को एहतजाजी रैली और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया गया, फिर भी केस्को अकाम और इंतजामिया की जानब से कोई पेशरफ ना होने की वजह से 12 जुलाई को तुर्बत में एहतजाजन शटर डाउन हड़ताल की गई, जिसमें दर्ज ज़ेल मुतालबे पेश किए गए। नंबर एक, सिटी को कारोबारी वक्त मुकम्मल लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दिया जाए। नंबर दो, पूरे तुर्बत में लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम किया जाए। नंबर तीन, तुर्बत में पूरी तौर पर किस्को का वर्कशॉप कायम किया जाए ताकि खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत बर वक्त तुर्बत में मुमकिन हो। चार, इंतजामिया किसी भी किस्म के नए एप्लीकेशन के लिए पहले हमसे भेंट कर मुज़ाकरात करें। ग्रांट पूशी के नाम पर बत्ता सिस्टम को ख़त्म किया जाए। अगर किसी ने ग्रांट पूशी किया तो मजकूरा शख्स को जुर्माना करें और जुर्माना की बैंक रसीदें जारी रसीद देना बंद करें। किसी भी दुकानदार को तजावजात ग्रांट पूशी के नाम पर गिरफ्तारी से गरीज किया जाए। प्लास्टिक यूनियन के दुकानों पर चापा और महकमे माहौलियात की जानब सख्त शुदा प्लास्टिक वापस किया जाए, और किसी भी प्लास्टिक के दुकान पर हमारी इजाज़त के बगैर चापा ना लगाया जाए, क्योंकि केज में कोई प्लास्टिक फैक्ट्री नहीं है। मुल्क में प्लास्टिक पर अगर पाबंदी है तो इसके नियम और बदल लाया जाए। इंतजामिया अपनी इंतजामी उमूर पर तवज्जो दें। शहर में होने वाली बदामनी, सेहत तो सफाई पर तवज्जो दें। लेविस की जानब से मंद रिदीक से तुर्बत आने वाले गाड़ियों से भत्ता मांगना और तंग करना बंद किया जाए। ग्वादर से तुर्बत पेट्रोल की सप्लाई पर बंदिश को फौरी तौर पर हटाया जाए। ग्वादर से तुर्बत शहर में आने वाले पेट्रोल सप्लाई करने वाले गाड़ियों से किसी किस्म का भत्ता तलब ना किया जाए। बॉर्डर जाने वाले गाड़ियों के लिए आसानियां क्राइम की जाए। तमाम नौबत लिस्ट को साफ और शिफाफ बनाया जाए, क्योंकि आए रोज सीपैक रोड की बंदिश की वजह से कारोबारी हजरात को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। मोजेस साफी हजरात, पिछले दिनों रैली, धरना और एहतजाज में दर्ज बाला मुतालबात पेश किए गए थे, इनमें से किसी एक पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ है। मोजेस साफी हजरात, जैसे कि आप तमाम हजरात के इल्म में है कि तुर्बत के तमाम सियासी जमायतें इस वक्त हुकूमत में हैं, हम तमाम जमायतों से मुतालबा करते हैं कि अपने मरकजी रहनुमाओं के ज़रिए तमाम इदारों के आला अकाम बाला से इन मामलों पर बात करके मसले को हल कराने अपना कलीदी किरदार अदा करें। मोजेस साफी हजरात, इसी तरह
जिला इंतजामिया भी अपने गाँवों में गफलत का मुजाहरा करता है और नेट के बहाने दुकानदारों को तंग करना, प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास कभी कुबार शाहदो नादर बुलाते हैं और ना के दुकानदारों की बात सुनी जाती है और खुद से रेट मुकर्रर करके तंग किया जाता है। अगर कोई दुकानदार खिलाफ कानून पाया गया तो इसे गिरफ्तार करने के बजाय जुर्माना किया जाए और जुर्माना के बैंक रसीद बकायदा दुकानदार को प्रदान की जाए। मौजूद साफी हजरात, जिला इंतजामिया अपनी इंतजामी उमूर को निपटाने के बजाय दिगर गैर जरूरी कामों में मसरूफ है। इस वक्त गुरबत में गर्मी की वजह से वबाई अमराज फैल रहे हैं, लेकिन इंतजामिया इस मामले में कलीदी किरदार अदा करें। मौजूद साफी हजरात, इत्तेजाज के तमाम रास्ते अपनाने के बावजूद ना किसको एक काम और ना जिला इंतजामिया इससे महस होती है, इसलिए हम अंजुमन ताजरान केच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से किसको एक काम और जिला इंतजामिया को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करें, वरना हम तुरबत शहर को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुकम्मल बंद करके इत्तेजाज करेंगे और इस पर भी मुतालबात ना माने गए तो इत्तेजाज को मजीद वस देकर मकतरान की सतह पर हड़ताल और सीपैक शाहरा को मुकम्मल ब्लॉक किया जाएगा। आखिर में मैं तमाम साफी हजरात का बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमें कॉलेज किया। ऐसा कोई वजह अच्छी है कि बिजली सारी देखकर बिजली तना मन बुदा भले 8 मेगावाट बुदा मन कर रही वही रोशिक नबूदा और वक्तन वक्तन बुदा बड़ा भी मामला सही बुदा अनु अभी समझी के मारा की बिजली ईरान ने कर सका है अभी कम की मदद रख जाए पता भी पड़ा हमारा पाकिस्तान है कि रेट अस्ता हमारा टैक्स अस्ता हमारा टैक्स आगेगा और बिजली पता भी टेमा ना देगा ये बुद्धि सतह बन कर पॉलिसी भी के इधर मकसूद का काम करने वास्ता बिजली है थोड़े इशू के जा देश पे भले जान बूझ कर इशू बनाता वहाँ समझा शायद तो कहा जिला इंतजाम के कमजोरियाँ और तई एक्सेल वाबड़ा ये नाहिली के पति सारपाना सही टाइम और टाइम में सर बिजली में थी गए जिला इंतजाम जिम्मेदारी के शहर है तो का मतलब सफाई है अस्पतालानी निज़ाम है तालीम इदारानी निज़ाम है मर्ची माशवा के इंदगान है साफी हजरात से जी मौजूद हैं और इधर मेरे दुकानदार भी मौजूद हैं सियासी पार्टियों की संगठन बस अजीत चीज़ा के अंदर जिला इंतजाम के कार के हमारा चीज़ा मैनेजमेंट पे काम बोले शांत चार अवसर से डेली जिला इंतजाम अभी सा बार्डर नौबत रिश्ता वगैरह एच लेस थे वहाँ हमें समझा कि जिला इंतजाम के हमारा जिम्मेदारी उतना कि शहर है तो का वहाँ परापरा कार कर लिए आकार ने और दिग्गति तक पच्चीस 4-5 माह भी जिला इंतजाम है शहर वाला दिग्गति या पिटिंग भी नरू टाइम तक के ताजिर बिरादरी या के कौन सियासी पार्टियां ने कि गाय शहर वस्ता की मसला मसाला बना तजवीज भी है इसे जब हमें समझा कि इन जिला इंतजाम नाकामी के बहुत ही जल्द कार्य अलदा ना हो लेकिन इनका मुश्किल है मसला जिले इस्लामा जिले सतह के शुरू करा।